काजू के रेट्स ने हाहाकार मचा के रखा है। पिछले 15 दिनों में हुई 200 रुपए की बढ़। ये क्यों हुई और कहां तक जाके रुकेगी ये बढ़, इसके लिए पूरा वीडियो देखिए आखिर तक। तो ये क्यों बढ़त हुई है, इसका सबसे पहला रीजन है जो भी बेनिन क्रॉप साउथ अफ्रीका से आता है, अब्रॉड से आता है हमारे लिए, जो बहुत ही व्हाइट माना जाता है, 60% ये हम लोग को इम्पोर्ट होता है इंडिया में, वो साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट ने बैन लगाने के वजह से रेट में बढ़ोतरी हुई है। ये क्रॉप के रेट्स आज के तारीख में 165 रुपीज़ रॉ मटेरियल का रेट हो गया, जिस वजह से इस रेट को लगाए। जब हम शुरुआत में बेच रहे थे 550-600 के आसपास, तो क्रॉप के रेट थे 93 रुपीज़ से 110 तक। अभी क्रॉप के रेट 165 हो गए, जिस वजह से इतनी बढ़ोतरी है। ऐसे तो कहा जा रहा है कि उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, बंदी निकाल दिया, अपना बैन निकाल दिया है, लेकिन बावजूद उसके करीब करीब 1.5 से 2 महीना लगता है एक कंटेनर अब्रॉड से इंडिया में आने के लिए। अगर आज भी वो भेजते हैं तो करीब करीब यहाँ से 1.5 महीना बाद, मतलब गणेश चतुर्थी शुरू होने के बाद आकर इंडिया में लगेगा, बावजूद उसके कि क्रॉप का रेट ज़्यादा है। ये बता देता हूँ कि क्या होगा मार्केट, अगर यहाँ से रिवर्स नहीं आता है मार्केट तो आप भूल जाइए कि दिवाली तक रेट कम होंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जानेंगे सभी काजू के रेट, क्योंकि मार्केट बढ़ा हुआ है, इसलिए आज हम लोग आपको मार्केट अपडेट भी देंगे और बताएंगे कि किस हद तक जाके रुकेंगे काजू के रेट। सबसे पहले लूँगा अखंड, जो डब्ल्यू मिक्स या होल कैशू जिसको हम कहते हैं, उसके रेट मार्केट के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया 800 से 870 तक वेरी होते रहेंगे। भले ही 1/2 स्प्लिट जो आता है पाकड़ी, इसका रेट 770 से 790 के रेंज में बीच में रहेगा, और 1/4 जो स्प्लिट आता है टुकड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रहेगा 650 से लेकर 700 के रेंज में। जैसे ही साउथ अफ्रीका का बैन हटेगा और इंडिया में आएगा रॉ, तो चांसेस है कि कम होंगे, लेकिन क्योंकि सीजन है आगे, ड्राई फ्रूट्स का बहुत इस्तेमाल होता है गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली में, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि रेट उतरेंगे। तो बेहतर है कि आप सतर्क रहें और देखिए क्या रेट मिल पाते हैं।